अगला जो डेरिवेशन है ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है 12th क्लास की, इससे इंपॉर्टेंट और कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा ही जाता है। आपका क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम, ठीक है। तो आपका इसका स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिस थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड इट। मींस कि कोई भी क्लोज सरफेस है उससे पास होने वाली टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या फिर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, उसके अंदर प्रेजेंट चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है, यानी phi इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q/ε0 टाइम्स हो जाएगा। अब इसका अपन क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो इसका प्रूफ दो तरीके से किया जा सकता है, आपका एक सिंपल स्फेरिकल सरफेस लेके किया जा सकता है और एक जनरल सरफेस लेके किया जा सकता है। मैं आपको यहां पर एक जनरल सरफेस लेके करवा रहा हूं, ठीक है। आप चाहें तो स्फेरिकल सरफेस से भी कर सकते हैं। तो लेट अ क्लोज सरफेस एस इन विच अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ, अ स्मॉल सरफेस ds is taken at r distance away from the charge, ठीक है। Now by the definition of electric flux, यहां पर अपन बात करते हैं ये सरफेस है, यहां पर ये स्मॉल एंगल बनेगा, सॉलिड एंगल d ओमेगा। तो ये आपका r है, ये सरफेस का नॉर्मल मान के चलो इस तरह से n के, ये आपका एंगल हो जाएगा डी थीटा। तो इससे पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, डी फाइ बराबर ई डॉट डी एस कॉस थीटा, ठीक है। यहां पर जो ई है वो इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, यानी आपका पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। तो डी फाइ बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर डी एस कॉस थीटा। अब हमको केवल इस सरफेस नहीं पूरी सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। यहां पर क्लोज इंटीग्रल होगा डी फाई का, यहां पर क्लोज इंटीग्रल होगा 1/4πε0 क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर डी एस कॉस थीटा का। तो आप गौर से देखेंगे इसका इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, यहां पर क्यू अपॉन 4πε0 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, बचेगा अंदर क्या, यहां पर बचेगा आपका डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो आप अच्छे से जानते हैं क्या होता है, डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, डी ओमेगा, यानी आपका क्या हो जाता है, सॉलिड एंगल हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर आप क्या लिख देंगे, डी ओमेगा लिख देंगे, तो फाइव बराबर आपको क्या मिलेगा, क्यू अपॉन 4πε0 क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ओमेगा। तो आपको ये चीज मैं बता देता हूं, किसी भी क्लोज सरफेस के कारण उसके अंदर किसी पॉइंट पर बनने वाला जो सॉलिड एंगल होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 4π होती है। तो इसकी जो वैल्यू होगी, वेयर क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ओमेगा, ये कितना हो जाएगा, 4π हो जाएगा। तो फाइ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4πε0 इंटू क्या हो जाएगा, 4π। तो 4π से 4π कैंसिल, फाइ बराबर क्यू अपॉन ε0, हेंस गॉस थ्योरम इज प्रूव। अगर कोई दूसरा मीडियम होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, फाइ बराबर क्यू अपॉन ε0 के, या फिर फाइ बराबर क्यू अपॉन ε हो जाएगा। यहां पर के क्या है, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है उस मीडियम का, और ε क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी है उस मीडियम की। तो इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, और इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। गॉस थ्योरम पर कई सारे न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, वो हम आगे देखेंगे, और इसके एप्लीकेशन से भी आपका डेरिवेशन पूछा जाता है। तो इसके बाद अपन इसके एप्लीकेशन की बात करेंगे।
एप्लीकेशन है जो गॉस थ्योरम का, वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज और इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, लेट कंसीडर अ स्ट्रेट लॉन्ग वायर एक्स वाई ऑन विच चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सच दैट इट्स लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा। अ पॉइंट पी इज टेकन एट आर डिस्टेंस अवे फ्रॉम इट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी डिटरमाइंड। मतलब हमने क्या कंसिडर किया, एक लॉन्ग वायर है एक्स वायर जिस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी वो क्या है आपकी लैम्डा है। ठीक है, और इससे अपन आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी लेते हैं जिस पर आपको क्या निकालनी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, टेकिंग एक्स वाई एज एक्सिस एंड आर एज रेडियस, मेक अ सिलेंडर ऑफ लेंथ एल विच एक्ट एज गॉसियन सरफेस। हमने क्या किया है, आर को रेडियस माना है, एक्स वाई को एक्सिस माना है और एक सिलेंडर बना दिया जिसकी लेंथ कितनी है, एल है, जो किसकी तरह वर्क करेगी, गॉसियन सरफेस की तरह वर्क करेगी। ठीक है, अब इस गॉसियन सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, डी फाई बराबर E डॉट डी एस कॉस थीटा। ये तो स्मॉल सरफेस से, अगर पूरी सरफेस से निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, यहां पर इंटीग्रेशन होगा डी फाई का, यहां पर इंटीग्रेशन होगा E डॉट डी एस कॉस थीटा। डी फाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा फाई, लेकिन ये जो सिलेंडर है वो कितनी सरफेस से मिलकर बना है, तीन सरफेस से, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो तीन पार्ट में होगा, एक E डॉट S1 cos थीटा 1 प्लस E डॉट S2 cos थीटा 2 प्लस E डॉट S3 cos थीटा 3। यहां पर ये रहा आपका S1, ये रहा आपका S2 और ये रहा आपका S3। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही है और इधर जा रही है। S1 का नॉर्मल कहां है, नीचे की तरफ है, तो यहां पर जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही है, नॉर्मल भी इधर है, तो आपका जो थीटा 2 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या तो इधर जा रही है या इधर जा रही है, जबकि नॉर्मल कहां है, यहां पर। ये थीटा 3 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो वेयर थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू 0 डिग्री। यहां पर वैल्यू रख दो तो फाई बराबर ई डॉट एस वन कॉस 90 प्लस ई डॉट एस टू कॉस 0 प्लस ई डॉट एस थ्री कॉस 90। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो फाइव बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 प्लस ई डॉट एस टू प्लस 0, तो फाइव बराबर क्या हो जाएगा, ई डॉट एस टू हो जाएगा। ठीक है, वेयर एस टू इज लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, एस टू बराबर 2πRL, वेयर एस टू इज लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वेयर एस टू बराबर कितना हो जाएगा, 2πRL। तो फाइव बराबर क्या हो जाएगा, ई डॉट 2πRL, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। उसके बाद अपन बात करते हैं बाय गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या बोलती है कि किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके अंदर प्रेजेंट चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है, तो फाइ बराबर क्यू अपॉन ε0 टाइम्स, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इनटू एल, तो फाइ बराबर लैम्डा एल अपॉन ε0, ये इक्वेशन सेकंड। अब अपन बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, तो आपका क्या हो जाएगा, ई डॉट 2πRL बराबर लैम्डा एल अपॉन इप्सिलॉन नॉट,
एल से एल कैंसिल, टू पाई आर कहा जाएगा नीचे, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा लैम्डा अपॉन टू पाई इप्सिलॉन नॉट आर। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाती है ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज लॉन्ग वायर या ड्यू टू चार्ज लॉन्ग वायर या चार्ज स्ट्रेट कंडक्टर के कारण। तो ये जो ई है वो क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, आर के। तो अगर अपन ग्राफ देखते हैं ई वर्सेस आर में, तो इस तरह से ग्राफ। अब अपन इस चैप्टर का ऑलमोस्ट लास्ट डेरिवेशन अपन देख रहे हैं जो आईएमपी है, ठीक है। इसमें आपका है डेरिवेशन ऑफ कूलम फ्लो विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, लेट कंसीडर A charge Q is placed at point O, another point P is taken at R distance away from it, where another charge Q0 is placed. Taking O as center, R as radius, make a sphere which acts as Gaussian surface. ठीक है, अब by the definition of electric flux, d phi is equal to E dot ds cos theta, ठीक है, on integrating, so where theta is equal to 0 degree, तो d phi is equal to क्या हो जाएगा, e dot ds cos 0, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो d phi is equal to e dot ds, on integrating both side, on integrating both साइड, तो आपका क्या हो जाएगा, यहां पर इंटीग्रेशन हो जाएगा डी फाइव, यहां पर इंटीग्रेशन हो जाएगा ई डॉट डी एस, डी फाइव का इंटीग्रेशन होगा फाइव, ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, डी एस का। तो फाइव बराबर क्या हो जाएगा ई डॉट एस, वेयर एस इज सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, ठीक है। तो एस बराबर क्या हो जाएगा 4πr², तो यहां से क्या हो जाएगा 5 बराबर ई डॉट 4πr², ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई बाय गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम 5 बराबर क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट, ये इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड E dot 4 pi r square is equal to q upon epsilon naught, ये इधर जाएगा तो E बराबर q upon 4 pi epsilon naught r square. Now force on q0, F बराबर q0 into E, F is equal to Q0 into Q upon 4 pi epsilon naught R square. This is Coulomb's law. Hence.